हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर देना, तो जब भी वीडियो अपलोड करो तो पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और वीडियो पूरा देखिए तब भी आपको समझ आ जाएगा कैसे वीडियो एडिट होता है। तो आप जिस तरह वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो तो वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों। और आज का प्रीव्यू तो देखा ही होगा, तो चलते हैं ट्यूटोरियल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले लाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद कुछ इस तरह में इंटरफेस दिख जाएगा। उसके बाद प्लस का राइट साइड में प्रोजेक्ट का ऑप्शन दिख जाएगा, वहाँ पे क्लिक करना है। इतना करने के बाद आपको जो डिस्क्रिप्शन में दो बिटमार्क प्रोजेक्ट का लिंक मिल जाएगा, उसको आपको इम्पोर्ट कर लेना है। इम्पोर्ट करने के बाद बिटमार्क प्रोजेक्ट को पहले ओपन करना है। ओपन करने के लिए क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह इंटरफेस दिख जाएगा। उसके बाद आपका प्रोजेक्ट फाइल ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे फोटो ऐड करना है। फोटो ऐड करने के लिए प्लस आइकॉन पे क्लिक करना है। मीडिया ब्राउज़र में जाके आप जिस भी फोटो पर वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो उसी फोटो को आपको सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद फोटो आपको ऐड करना है। ऐड करने के लिए प्लस वाला आइकॉन ऊपर में दिख जाएगा, वहाँ पे क्लिक करना है। इतना करने के बाद फोटो ऐड हो जाएगा। उसके बाद डिलीट का राइट साइड में थ्री डॉट का आइकॉन दिख जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके इसको फिल कंपोजिशन एरिया वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। इतना करने के बाद फोटो आपका ऐड हो जाएगा। उसके बाद फोटो को और सॉन्ग के लास्ट में जाना है और लास्ट तक ऐड करना है। उसके बाद फोटो पर क्लिक करना है और इसको मोब एंड ट्रांसफर वाला ऑप्शन में क्लिक करके इसको थोड़ा सा इस तरफ एडजस्ट करना होगा। इतना करने के बाद फोटो पे क्लिक साइड पे क्लिक करके होल्ड करना है और इसको नीचे तरफ लाना है। इसको सॉन्ग का ऊपर में इस तरफ छोड़ देना है, रख देना है। उसके बाद ये जो लिरिक्स है यहाँ पे जो भी फॉन्ट यूज हो रहा है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसको आप डाउनलोड कर लेना। उसके बाद पहले फोटो पे इफेक्ट देना है, तो सेक इफेक्ट ओपन करना है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह इंटरफेस दिख जाएगा। उसके बाद फोटो पे क्लिक करना है और इफेक्ट वाला ऑप्शन में जाना है। फिर डॉट पर क्लिक करके कॉपी इफेक्ट करना है। ना करने के बाद बैक आके बिटमार्क प्रोजेक्ट पे पेस्ट इफेक्ट करना है। फोटो पर क्लिक करना है, पेस्ट इफेक्ट करना है। इफेक्ट वाला ऑप्शन में जाना है, फिर डॉट पर क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट का ऑप्शन लीजिए, वहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद इसको इनेबल करना है सभी इफेक्ट को इस तरह। इतना करने के बाद आपका फोटो को जिस तरफ दिख जाएगा इफेक्ट यूज हो रहा है इस तरफ। उसके बाद आपको लिरिक्स पे इफेक्ट ऐड करना है। लिरिक्स पे इफेक्ट ऐड करने के लिए फिर से एक इफेक्ट ओपन करना है और लिरिक्स का इफेक्ट को कॉपी करना है। उसके बाद बैक आ जाना है और बिटमार्क प्रोजेक्ट को ओपन करना है और इसको भी इस तरह कॉपी पेस्ट करना है। सभी लिरिक्स पे इस तरह इफेक्ट को कॉपी पेस्ट करना है और सभी लिरिक्स पे इफेक्ट खड़े होने के बाद आपका वीडियो कुछ इस तरह दिख जाएगा।
इसमें दिख रहा है। उसके बाद आपका जो ऊपर में लोगो आ रहा है उसको क्लिक करना है, कलर एंड फील का ऑप्शन मिल जाए वहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद इसको कलर पे क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद आपका वीडियो पूरा रेडी हो जाएगा। और यहाँ पे आपको टेम्पलेट यूज करना है तो टेलीग्राम चैनल पर लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। उसके बाद इसको ऐड कर देना है यहाँ पे। और तो चलते हैं आज का ट्यूटोरियल वीडियो यहाँ पे ऐड करते हैं। उसको एक्सपोर्ट करने के बाद कुछ इस तरह वीडियो आपका रेडी हो जाएगा।